कभी-कभी होता है कि हम कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा फाइल रहता है जिसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसको कैसे आप रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप सेकेंडों में आपका कोई स्क्रीनशॉट जो आप लिए हुए हैं वो डिलीट हो गया है, तो वो आप बहुत ही आसानी से उसको वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपका स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, कोई फाइल है, फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है या आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरीके से हम अपने स्क्रीनशॉट जो उड़ गया है उसको कैसे वापस लाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल को स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो जो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो हमें बहुत टेंशन हो जाता है कि जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है, उसको वापस कैसे लाएंगे, रिकवरी कैसे करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ही एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से आप सेकेंडों में जो भी आपका स्क्रीनशॉट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आप सेकेंडों में वापस ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो स्क्रीनशॉट है उसको मैं आपको डिलीट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए कि मेरे पास यहाँ पर लिख रखा है ऊपर स्क्रीनशॉट और ये मैं तीन जो फोटो है इसको मैं आपको डिलीट करके इसको दिखाऊंगा और इसको फिर मैं आपको रिकवरी करके दिखाऊंगा कि ये वापस आता है या नहीं। देखिए तो चलिए मैं इसमें टिक मार्क लगा दिया हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पर देखिए कि मेरा स्क्रीनशॉट जो था वो डिलीट होके हट चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो जो डिलीट हुआ है वो वापस होके आता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, वो एप्लीकेशन है डिस्क टीजर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आके ओपन हो सकते हैं। तो डिस्क टीजर को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेसिक स्कैन नो रूट, दूसरा है फुल स्कैन रूट रिक्वायर्ड और तीसरा है विथ फ्री स्पेस। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे आना है बेसिक स्कैन और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको परमिशन मांग रहा है, यहाँ परमिशन को अलाउ कर देंगे। यहाँ पर देखिए कि नीचे यहाँ पर आपको लिखा रहा है जीरो फाइल्स फॉन्ट, तो यहाँ पर आपको फोटो यहाँ पर रिकवरी होकर यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप जो है बिना इंटरनेट के आपका जो भी फोटो है या तो स्क्रीनशॉट है या गैलरी से है या आपके मोबाइल में कहीं भी फोटो रख रखे हैं सेव करके वो डिलीट हो जाता है, तो आप सालों साल पुराना वो फोटो को आप रिकवर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, एक बार इसको यूज करके देखिएगा तो आप कहिएगा कि वाकई में कोई जो है बताया था इस एप्लीकेशन के बारे में जिससे हम अपना जो फोटो जो डिलीट हो गया है उसको बहुत ही आसानी से सेकंडों में उसको रिकवरी करके वापस ले आए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो रिकवरी करके नीचे ला रहा है यहाँ पे 2072 2100 यहाँ पे 2156 2194 इस तरीके से यहाँ पे आपको लाता ही रहेगा। जितना भी फोटो आपका मोबाइल से उड़ा हुआ है, डिलीट हुआ है, सालों साल पुराना, उसको सारे के सारे फोटो को आपको यहाँ पर रिकवरी करके ला देगा। चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 15 साल हो, कितना भी पुराना फोटो हो, वो सारे के सारे आपके मोबाइल से, जिस मोबाइल से उड़ा हुआ है उससे ही आपको रिकवरी करके यहाँ पे ला देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था तीन फोटो डिलीट करके, तो ये फोटो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं मैं तीन फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से अगर आप और भी फ़ोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो सारे फ़ोटो आपको रिकवरी होके आ जाएगा। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर
इस तरीके से ये फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो ही फ़ोटो को आप इसे टिक मार्क कीजिएगा वो फ़ोटो आपका रिकवरी होगा। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं दिखा दिया, मैं तीन फ़ोटो की यहाँ पर जो डिलीट किया था, एक ये था और एक ये था और एक ये फ़ोटो था, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और कुछ और फ़ोटो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब हमको ये फ़ोटो को रिकवरी करना है, तो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं नीचे यहाँ रिकवर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये देख रहे हैं जो है मिडिल में है, बीच में है सेव द फाइल्स टू ए कस्टम लोकेशन ऑन योर डिवाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एसडी कार्ड का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप तो चाहे तो इंटरनल स्टोरेज मतलब मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हैं, या आपको चिप है मेमोरी है उसमें भी रख सकते हैं। तो ये आप चाहे तो यहाँ इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक कीजिएगा और इसमें भी सेव कर सकते हैं, चाहे एसडी कार्ड पर क्लिक करके आप इसको रख सकते हैं। चलिए हम एसडी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है कि कौन सा फाइल में आप सेव करके रखना चाहते हैं, या अगर आप फाइल में सेव करके नहीं रखना चाहते हैं ऊपर में रखना चाहते हैं तो सिंपली आपको फाइल को चूज नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेलेक्ट का, आपको इस पर सेलेक्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रिकवरी कम्प्लीट, तो यहाँ पर आपका रिकवरी कम्प्लीट हो चुका है। आप जो भी फ़ोटो को आप सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे फ़ोटो आपको वहाँ पे रिकवर होके आ चुका होगा गैलरी में। चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे गैलरी को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ एसडी कार्ड लिख रखा है, यहाँ मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे देखिए कि ये फ़ोटो और ये फ़ोटो को मैं आपको डिलीट करके दिखाया था, वो फ़ोटो यहाँ पर मैं इसको रिकवरी कर लिया हूँ जो स्क्रीन शॉट था। और इसके अलावा मैं कुछ और फ़ोटो को यहाँ पर जो है रिकवर किया हूँ, तो वो भी फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस, इस तरीके से अगर आपके मोबाइल से सालों साल स्क्रीनशॉट या कोई भी फ़ोटो जो आपके गैलरी से डिलीट हो चुका है उड़ चुका है, उसको बहुत ही आसानी से आप रिकवरी करके वापस ला सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।